तो कैसे हैं आप लोग? व्हाट्स अप गाइस, गिट्स के गुलाब जामुन बना रहा हूँ आज। बहुत ही इजी हैं। तो सबसे पहले गुलाब जामुन के लिए शुगर सिरप बना देते हैं। तो गुलाब जामुन के लिए जब आप शुगर सिरप बनाओगे, अगर आप 1 किलो शुगर यूज कर रहे हो तो उसमें 1.5 लीटर पानी ऐड करें। तो देख लेते हैं शुगर सिरप कैसे बनता है। तो शुगर सिरप अभी रेडी हो गया है, तो अब बनाते हैं गिट्स के गुलाब जामुन का डो। तो उसमें आपको हल्का हल्का पानी ऐड करके ही उसका डो बनाना है, और एकदम से सॉफ्ट डो बनाना है जो अंदर से गुठली ना रहे। अगर डो आपका स्ट्रांग होएगा तो अंदर गुलाब जामुन के गुठली पड़ जाएगी, तो आपको ध्यान में रखना है उसका डो सॉफ्ट बनाना है। और डो सॉफ्ट बनने के बाद 10 से 15 मिनट तक डो फ्रिज में रख देना है। तो देख लेते हैं गुलाब जामुन का डो कैसे बनता है। तो डो भी अभी रेडी हो गया है, तो स्टार्ट करते हैं गुलाब जामुन बनाना। तो आपको उसके छोटे छोटे से बोल्स बना के हथेली में अच्छे से टाइट करके उसको अच्छे से मसलना है, फिर उसके बाद राउंड करके उसके बोल बनाने हैं। और गुलाब जामुन को मीडियम हीट में ही फ्राई करना है, स्टेयर करते हुए फ्राई करना है जब तक गुलाब जामुन ब्राउन ना हो जाए। गुलाब जामुन के बोल्स भी अभी रेडी हो गए, तो स्टार्ट करते हैं फ्राई करना। मीडियम हीट में स्टेयर करते हुए फ्राई करने हैं गुलाब जामुन एंड तक, जब तक गुलाब जामुन ब्राउन ना हो जाए।
the comments how did you like this recipe. Share with your friends and family. Hit the like buttons if you have liked this recipe. And don't forget to like, share and subscribe. See you soon with next recipe. Thank you very much.